वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करने व वकीलों को थाने में बंद करवाने के मामले में आज बहरोड एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर एसडीएम मुर्दाबाद एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए गए। उसके बाद बार संघ के लोग मुख्य सड़क पर आकर जमकर नारेबाजी की, साथ ही कहा कि जब तक बहरोड एसडीएम का तबादला नहीं होगा तब तक वकील करेंगे कार्य का बहिष्कार। आज प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे भाई? ऐसा है कि हमारी पुरानी बार पुरानी कोर्ट न्यायालय परिसर ये था, कुछ हमारे साथ ही यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बाकी हम ज़्यादातर चले गए नई कोर्ट में। लेकिन 3 दिन पुरानी घटना है, हमारे 2 वकील साथियों के साथ जिसमें राजपाल यादव और सुभाष यादव, इनके साथ या एसडीएम साहब ने और यहाँ के प्रशासन ने ये बताने के बावजूद भी जानबूझ कर के ये पेशे से वकील हैं, उनके साथ बदतमीजी की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और पुलिस को बुलाकर और उनको यहाँ पर थाने के अंदर बैठा दिया। हम सब लोग इस घटना की घोर शब्दों में निंदा करते हैं और इस बात के लिए कि उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की एसडीएम की बहुत ज़्यादा गलती है कि वकीलों को इस तरीके से बेहुदे तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ तक सुना है कि जब वहाँ पर बातचीत करने के लिए चले गए तो भी डांट लगा कर कि इनको अंदर ले जाऊँगा, बाहर कर दो इनको, इनको मैं बहुत अपनी सीमाओं को भी लांघ सकता हूँ। हम इस तरीके की घृणित बातों की निंदा करते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि यदि किसी भी अभिभाषक के साथ यदि किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों ने यदि बदतमीजी की तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा इतिहास रहा है, हम बड़े बड़े इन गलत कामों के लिए हम हमेशा टकराते रहे हैं और इनको नीचा देखना पड़ा है, लेकिन हम खुद शांति प्रिय हैं, कानून कायदों में विश्वास करते हैं, इसलिए